अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग जी? क्या कर रहे हैं? बहुत खुश नज़र आ रहे हैं मुझे, क्यों भाई? अच्छा, यानी कि आप अब जो हैं मुख्तलिफ लफ्ज़ पढ़ने लगे हैं, इतनी खुशी, वेरी गुड। हाँ अच्छा, आप लोगों को अब जब आपने नए नए वर्ड सीखे हैं, नए नए लफ्ज़ सीखे हैं, तो घर में आप अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं कि हमें अब नए नए अल्फाज पढ़ने आ गए हैं, बता रहे हैं। तो फिर अब हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि हम रोज़ाना नए नए अल्फाज पढ़ना सीखेंगे जी। इससे क्या होगा, जब मैं आपको रोज़ाना नए नए अल्फाज पढ़ाऊँगी और आप घर में उसकी प्रैक्टिस करेंगे, खूब अच्छी तरह से पढ़ेंगे लिखेंगे, तो क्या होगा, बहुत जल्द आप जो है पूरे पूरे जुमले पढ़ना शुरू कर देंगे जी। और इतना अच्छा लगेगा ना कि जो स्टोरीज, जो कहानियाँ मैं आपको सुना रही होती हूँ, वो आप खुद से पढ़ना लगेंगे जी। लेकिन उसके लिए क्या शर्त है? उसके लिए शर्त ये है कि आपने रोज़ाना अच्छे से ध्यान से सारी वीडियोस देखनी है, उनको सुनना है, समझना है और बाद में पढ़ना भी है, ठीक है जी। चले जी, आज की एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पेज मौजूद है, पेज नंबर 16, और 16 पे हम देखेंगे, ओहो इतने बहुत सारे नए अल्फाज, वेरी गुड जी। मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगी, आप आराम से पढ़ लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। पढ़ने से पहले क्या करते हैं, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि भाई इस पे कितने आइकन्स मौजूद हैं। तो देखिए ज़रा इसमें कितने आइकन्स मौजूद हैं जी। 1, 2, 3, 3 आइकन्स मौजूद हैं। पहला आइकन हमारा क्या है? यस, पहला आइकन है, कुछ लाइन्स बनी हुई हैं, फिंगर रखी हुई है। तो ये आइकन हमसे क्या कहता है? ये कहता है पढ़िए पढ़िए पढ़िए, यानी कि पहले हमने सफ़े को पढ़ना है अच्छे से, वेरी गुड। इसके बाद क्या करना है, ब की आधी शक्ल बनी हुई है, पेंसिल रखी हुई है। इसका मतलब क्या है कि जी ये आइकन हमसे कहता है पेंसिल फेरिए पेंसिल फेरिए पेंसिल फेरिए जी। पहले पढ़ेंगे और फिर पेंसिल फेरेंगे। थर्ड काम क्या करना है हमने जी, एक लकीर बनी हुई है और पेंसिल रखी हुई है, यानी कि लिखना है। जब हम पढ़ लेंगे, हम पेंसिल फेर लेंगे, तो फिर खुद से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये सब काम करने से पहले हमने क्या करना होता है भाई जी? हमने लिखनी होती है तारीख तारीख तारीख, यानी कि हमें पता चले कि ये काम हमने किस तारीख में किया था, है ना। चलें जी, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि भाई यहाँ पे कौन कौन से नए अल्फाज मौजूद हैं, ठीक है। ये क्या है? ये है द द अ द द अ द द अ द द द अ द द अ ड ज अ ज ज अ ज द ड ज। ये है भारी लफ्ज, है ना, ये है भारी आवाज। इसको पढ़ते हैं हम, द द द अ ध ध अ ध ध अ ध ड अ ढ ढ अ ढ ध ढ ध ढ। कितनी आसानी से हमने हल्की आवाज़ और अपनी भारी आवाज़ पढ़ ली, है ना जी। अब हम पढ़ते हैं नीचे हमारे पास कौन कौन सी आवाज़ें मौजूद हैं। ये हैं र अ र र अ र र अ र र अ र र अ र ज अ ज ज अ ज ज अ ज ज अ ज र र ज ज। अब हमने पढ़ी हल्की आवाज़ अलिफ के साथ में, अ के साथ में पढ़ी ना। अब हम पढ़ते हैं भारी आवाज़ें अ के साथ में, र अ र
अ र अ र अ र अ र अ र अ र अ र अ र अ जी। यानी कि हमने आज हल्की आवाज़ें पढ़ी अ के साथ में और हमने भारी आवाज़ें पढ़ी अ के साथ में। अब आपने क्या करना है, अब आपने बार बार इन अल्फाज को पढ़ना है जी। उसके लिए अब क्या करेंगे, ये वीडियो बार बार देखेंगे, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया। दूसरा आइकन हमसे क्या कह रहा था, दूसरा आइकन हमसे कह रहा था कि जी पेंसिल फेरिए। अब हमने क्या करना है, बारी बारी इन सारे नए अल्फाज पे जो हमने सीखे हैं उन पे पेंसिल फेरनी है। और जब आप पेंसिल फेरेंगे तो साथ साथ इसको पढ़ते भी जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम दोबारा पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, द ड ज ध अ ढ अ र र ज य र अ र अ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब आपने लिखना है। जब आप इसके पेंसिल फेरने की प्रैक्टिस करेंगे तो साथ में आप इसके लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे। या तो आप इनके साथ में लिखना प्रैक्टिस कर लेंगे, या आप अपनी किसी कॉपी पे कर लेंगे, या साथ साथ इनके लिखते जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखना है, ताकि आपको ये सारी आवाज़ें समझ में आ जाएं। आपने बार बार सुनना है, उसके बाद आपने हल्की आवाज़ की प्रैक्टिस करनी है। और हल्की आवाज़ कैसे पढ़नी होती है, जिसमें आपकी हवा ज़्यादा नहीं निकलती है ना। और जब भारी आवाज़ पढ़ते हैं आप, तो भारी आवाज़ में आपकी हवा ज़्यादा निकलती है। इसकी प्रैक्टिस करते हुए आपने इस पेज की रीडिंग करनी है। और जब आप इसकी रीडिंग कर लेंगे तो फिर आप पेंसिल फेरेंगे, काम करेंगे। और जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप उन्हें बताएंगे कि किस तरह से आज हमने नए अल्फाज सीखे। वो नए अल्फाज में हल्की आवाज़ें भी मौजूद थी और भारी आवाज़ें भी मौजूद थी। आप उनको पढ़ के सुनाइएगा। और जब आप ये काम कंप्लीट कर लेंगे तो इसकी पिक्चर अपनी टीचर को भेजिएगा, ठीक है। फिर कल हम मिलेंगे और कल हम न्यू एक्टिविटी करेंगे। Thank you.